चार पांच साल से ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। हर एक गांव में सैकड़ों की तादाद में सुअर हो गए हैं और यहाँ पर ये हालत है कि करोड़ों की फसल का नुकसान हो रहा है और पशु जो है वो बकरी के बच्चे हैं, भेड़ के बच्चे हैं, उनको भी सुअर खत्म कर रहे हैं। एक गरीब किसान के लिए कितना बड़ा लॉस है ये हम सभी समझ सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि अभी आप सभी से सभी को पता भी होगा कि मानवीय क्षति भी हो गई है इसकी वजह से। कई जगह गेड़ा में एक हादसा हो गया था, एक हमारे दुहान कतला में एक हादसा हो गया था, बुढ़ामलानी में भी हुआ, कई ऐसे हमारे सामने हादसे हो रहे हैं कि लोग भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं सूरों की ओर से। तो मैं निवेदन करूंगी, कलेक्टर साहब यहाँ पर तशरीफ रखी है, आदरणीय एमपी साहब है, जिला प्रमुख साहब है, कि जिला स्तर पर एक कोई कार्य योजना तैयार की जाए जिसकी वजह से इस समस्या से राहत मिल पाए। और एक प्रधान होने के नाते एक छोटा सा सॉल्यूशन जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि जैसे ही ये समस्या बढ़ रही है हमारे सरपंचों के पास में लोग आते हैं और कहते हैं कि इस समस्या से हमें कैसे राहत देंगे, प्रधान के पास में लोग जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन करूंगी कि अगर हम एसएफसी और एसएफसी में ऐसा कुछ हम लोग प्लान तैयार करें ताकि सरपंच अपने स्तर पर इस समस्या का समाधान कर पाए तो लोगों को, हमारे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो सुअर है वो कभी ट्रेडिशनली मिले नहीं है, तो जंगली सुअर की कैटेगरी में नहीं आते, तो अगर उन पे अगर कुछ कार्रवाई संभव हो जाए। लेकिन मैम इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? हमारे किसान परेशान है, उनकी फसलें नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो रही थी, चार साल से ये स्थिति है। जैसा कि मेरे को लोगों ने बताया कि पहले हरियाणा पंजाब से लोगों ने खेती आबादी की थी, हम यहाँ से पकड़ के पाकिस्तान छोड़ सकते हैं और तो क्या सॉल्यूशन जो भी करना है। लेकिन मैम फसलें नष्ट होती जाएंगी तो कोई सेंस नहीं रहेगा, हम सभी जनप्रतिनिधि। अरे ये तो इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, बिकॉज मैं मुझे एक महीना तक से यहाँ हुआ है लॉट ऑफ कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द सेम टाइप का। आप ही नहीं, आप बहुत किसान बंधु भी आए हैं, बहुत जनप्रतिनिधि भी आए हैं कि जो ये पिग्स हैं ये काफी ज्यादा डेंजरस कैटेगरी में भी आ रहे हैं, छोटे बच्चों को भी अटैक किया है, हमारी नॉलेज में है। सिद्धार्थ एंड आई हैव बीन डिस्कसिंग ऑन दिस, तो हम इसमें जल्द ही ब्लॉक वाइज प्रॉपर अखबार में ऐड देके ऑक्शन प्रोसेस कराएंगे। तो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड थैंक यू अगेन फॉर रेजिंग दिस पॉइंट, ये बिल्कुल हम सबके नॉलेज में है। और जैसे डीएफओ मैम ने भी अभी क्लियर किया कि तो कुछ आई थिंक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इश्यूज इसमें नहीं छोटे, तो हम इन्हें राउंड अप करा के हम पहले तो अखबार में प्रॉपर नोटिस देंगे कि अगर बाई चांस ये किसी के फालतू हैं तो आप इनको ले लीजिए और नहीं ली तो हम ऑप्शन करा के ही भेज। थैंक यू सो मच, आई होप कि जल्दी आप समझ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू।